डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे जो आपका नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक वाला मैथ है। बच्चों के कमेंट आए थे कि सर जो इस लेक्चर के इस मैथ के ये वो यूनिट्स बता दीजिए जिनको करने से जो हमारे 4 या 5 क्वेश्चन जो है आसानी से अटेम्प्ट हो जाएं। तो मैं नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक मैथ का जो आपके सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं वो किस तरीके से डिवाइड कर रखे हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चैप्टर के नाम है आपके पास, जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है आपका डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी, ठीक है। और सेकंड चैप्टर है आपका कोहेरेंसेस, थर्ड है फॉर्मेट, विल्सन एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। फोर्थ है आपका यूलर फंक्शन एंड रेजिड्यू। ये तो आपके नंबर थ्योरी का सेक्शन है, ठीक है। नंबर थ्योरी का जो सेक्शन है इसके अंदर जो है दो दो चैप्टर की एक एक यूनिट एक एक जो आपका क्वेश्चन आएगा ये डिवाइड कर रखा है कि इसमें से या इसमें से एक क्वेश्चन जो है आपका 100% आएगा, या तो आप इन दोनों को अच्छी तरह से कवर कर लो या फिर इन दोनों को, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि आगे भी अगर आप नेट की कोचिंग लेते हो तो नेट की तैयारी करते हो तो उनमें भी जो है इनका यूज किया जाएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट तो हमारे पास ये भी है, उसके लिए तो अगर नेट की हम कोचिंग लेते हैं नेट क्लियर करना हमें तो फिर इनका भी जो है हमें ये भी हमें करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो यहाँ से 4 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना चाहते हैं, 4 या 4 से ज्यादा क्वेश्चन जो है उसके अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपके नंबर थ्योरी के थे। अब ट्रिग्नोमेट्री का जो सेक्शन है, फिफ्थ चैप्टर है आपका डी मूवियर थ्योरम, दो डी मूवियर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। नेक्स्ट है आपका सेवेंथ जो चैप्टर है हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन। और लास्ट है सॉरी एट है इनवर्स सर्कुलर, इनवर्स सर्कुलर एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। और लास्ट है आपका समेशन ऑफ सीरीज, ऑफ सीरीज। तो ये आपके चैप्टर दे रखे हैं, यूनिट्स दे रखी हैं, इनमें से आपको कौन सी यूनिट जो है अच्छी तरह से तैयार करनी है ताकि आपके जो है एग्जाम के अंदर 4 या 4 से ज्यादा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो जाएं। तो उसके लिए नंबर थ्योरी का तो मैंने बता दिया है कि इनमें से या इनमें से कोई भी आप दो यूनिट्स को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। इनमें से अगर जो फर्स्ट चैप्टर आपका फिफ्थ चैप्टर है इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आता है हर बार एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो इनमें से आप कर लेना और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा, इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से 100% हर बार क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब जो है सिक्स्थ और सेवन्थ यूनिट, इसमें से आप एक कोई भी एक इसमें से हो सकता है, हाइपरबोलिक फंक्शन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है तो एक चैप्टर को जो है अच्छी तरह से तैयार कर लेना। हाइपरबोलिक फंक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आगे भी यूज हमें आगे अगर हमें एमएससी करते हैं तो वहां भी इसका यूज करना होगा हमें। तो
हो सके तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट आपका आएगा, एक यहां से हो गया, एक यहां से आएगा, इन दोनों में से एक कोई भी आप या एक चैप्टर जो है अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो, तो एक क्वेश्चन आपका ही आ जाएगा। तो यहां से मैंने चार क्वेश्चन आपको बता दिए हैं कि चार क्वेश्चन जो है पूरी जो आपकी यूनिट्स हैं इनमें से कौन सी आप अच्छी तरह से तैयार करोगे। देखो दो यूनिट्स तो आपकी ये हो जाएंगी, एक आपकी ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक इनमें से हो जाएगी, यानी कि चार यूनिट्स आप अगर अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो तो आपके चार क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, उस कंपल्सरी क्वेश्चन के भी कुछ पार्ट्स जो हैं इसमें से भी आएंगे, ठीक है। और जो आपने तैयार किए हैं चार चैप्टर उसमें से भी जो है कुछ पार्ट्स आपके कंपल्सरी क्वेश्चन के भी मिल जाएंगे, और वो कंपल्सरी क्वेश्चन के पार्ट्स भी आप जो है कुछ पार्ट कर सकते हो। अगर इन चार चैप्टर को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो तो एग्जाम के अंदर आपके चार या चार से मैक्सिमम ही होंगे चार से, तो ठीक है, क्योंकि कुछ पार्ट्स जो है कंपल्सरी क्वेश्चन के भी हम सोल्व आउट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लेना, अच्छी तरह से इनको तैयार कर लेना, आपके जो है एग्जाम अच्छा होगा और पास भी हो जाओगी। थैंक यू।